आज की क्लास में हम लाइकेन पढ़ेंगे। तो लाइकेन का हम पिछली क्लास में उसका क्लासिफिकेशन और उनका कैरेक्टर देख चुके थे क्या होता है। तो ये सौ कोशी होते हैं आपके, और क्या होता है सर, जीवता संबंध रखता है आपके कवक और एल्गी के बीच, ठीक है। दोनों का कनेक्टिंग लिंक कौन है, आपका लाइकेन ही है। तो आज हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इनके तीन टाइप्स होते हैं, क्रस्टोस, पॉलियोस और फ्रिक्टियोस लाइकेन, ठीक है। तो ये तीन है आपके, क्रस्टोस लाइकेन, पॉलियोस लाइकेन और फ्रिक्टियोस लाइकेन। इनका अंदर का लेयर है। तो जब क्रस्टोस लाइकेन होता है ये डिफरेंशिएट नहीं दिखाई देता, अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके जो क्रस्टोस लाइकेन है उनके जेलेटिनस मैट्रिक्स में फंगल फिलामेंट, ठीक है, जेलेटिनस मैट्रिक्स इनके सेल्स में, ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं दिखाई देता। सेल के जेलेटिनस मैट्रिक्स में जो फंगल फिलामेंट है वो अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं, कैसे रहते हैं, अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं। दूसरा आता है आपका फोलियोस, फोलियोस जो लाइकेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखिएगा, जब अपर कॉर्टेक्स मेडुला एल्बम और लोअर कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएट रहता है, बटा रहता है, जो फोलियोस लाइकेन है। देख लीजिए ये फ्रक्टियोस है, ठीक है, फ्रक्टियोस है। इसमें जो फ्रक्टियोस लाइकेन है वो हमारा बीच में हमारा मेडुला प्रेजेंट रहता है, इनके चारों ओर फंगल हाइफी जो है अनियमित रूप से बिखरे पड़े रहते हैं, और ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रक्टियोस। उसके बाद आता है आपका जो आप विस्तृत रूप से देखते हैं, तो ये जो ऊपर का जो लेयर होता है, ठीक है, ये जो ऊपर का लेयर होता है वो होता है आपका कॉर्टेक्स वाला लेयर भाग होता है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एल्गल लोब रहता है बीच में हमारा, क्या रहता है, एल्गल लोब प्रेजेंट रहते हैं और हाइफी प्रेजेंट रहते हैं, फंगल हाइफी और मेडुला प्रेजेंट रहते हैं। तो फोलियस में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, और जब इसकी फोलियस को विस्तृत अध्ययन करते हैं तो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ऊपरी जो होता है वो ऊपर में हमारा क्या रहता है, अपर कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, अपर कॉर्टेक्स। ये इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है इसका, अपर कॉर्टेक्स जो प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सेकेंड है जो अपर कॉर्टेक्स से नीचे आपका एल्गल जोन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एल्गल जोन प्रेजेंट रहता है, इसमें बीच बीच में एल्गल जोन रहता है। उसके बाद जो एल्गल जोन है उसके बाद थर्ड में आपका क्या है रहता है, मेडुला प्रेजेंट रहता है। मतलब ये वाला जो भाग है वो एल्गी का रहेगा, और यहाँ पर जो हाइफी है, ठीक है, वो कौन सा रहेगा, मेडुला में फंगल, ठीक है, फंगल का हाइफी प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, फंगल का हाइफी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपके लोअर में लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से फोलियर लाइकेन का विस्तृत भाग है। अब इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो ये तीन टाइप से होते हैं आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्राई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो बाय फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं, जैसे आपका कोई भी हाइफी हो गया, ये यहाँ से टूट कर बाहर हो गया और ये हाइफी फिर न्यू प्लांट का जनरेशन कर लेता है, ठीक है। तो प्लांट के कोई भी आपके लाइकेन के कोई भी भाग क्या फ्रेगमेंट यानी अलग हो जाना, उसी को फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, सोरिया के द्वारा हो सकता है, और बाय डेट एंड डीके मटेरियल के द्वारा, जो सड़े गड़े पदार्थ हो जाते हैं उसके द्वारा भी क्या हो जाता है कि अलग हो जाने के बाद क्या इसके द्वारा भी न्यू प्लांट का जनरेशन हो सकता है। फिर आता है एसेक्सुअल, तो असेक्सुअल जो है एसेक्सुअल लाइकेन में होता है, और ये किसके द्वारा होता है, ट्रिलेडिकियो स्पोर के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, ट्रिलेडिकियो स्पोर के द्वारा होता है। ये स्ट्रक्चर है लाइकेन में, एसेक्सुअल लाइकेन में प्रिडिनिया का वियर सेक्शन है। तो ये यहाँ से ही ये स्पोर बाहर निकल जाता है, और ये स्पोर बाहर निकलने के बाद अगर इसे अनुकूल परिस्थिति मिली तो ये क्या कर सकता है, फिर से न्यू आपका एसेक्सुअल लाइकेन जनरेट कर देता है। तो किसके द्वारा होता है, प्रिडिनियो स्पोर्स के द्वारा होता है। अब आता है एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी एसेक्सुअल लाइकेन में होता है। तो इसमें जो एसेक्सुअल लाइकेन है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दो रहते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पेटोगोनिया बोलते हैं। मेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, और फीमेल को कार्पेटोगोनिया। जो मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटोगोनिया कैसा रहता है, फ्लैग्स रिसेप्टर रहता है, और इसके जो ऊपर है, ठीक है, ये ऐसे ही सेप रहेगा आपका
मेन्स एक्सामियो का, और इस वाले जो भाग को क्या बोलते हैं, ऑस्टियो बोलते हैं। तो ऑस्टिया रहते हैं तो फ्लैग साइड के इसके नीचे भी क्या लगा रहता है आपका, छिद्रमज मिट्टिया लगा रहता है। फ्लैग साइड का रहता है जो छिद्र भाग रहता है उसको ऑस्टिया बोलते हैं, और इसी के नीचे आपको क्या रहता है, छिद्रमज मिट्टिया लगा रहता है। उसके बाद क्या आता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, कार्पोकोनिया बोलते हैं। ये कार्पोकोनिया क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और ये मल्टी सेलुलर जो सेल्स है वो कॉइल के फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम ट्राइको गाइन भी बोलते हैं, ट्राइको गाइन भी बोलते हैं। अब ये ट्राइको गाइन जो है हमेली जो कॉइल होता है वो क्या कहलाता है, आपको उगोनिया कहलाता है। इस वजह से इसमें जो मेल फीमेल है उसमें स्पर्मेटिया कहलाता है, और इसमें क्या, उगोनिया कहलाता है। तो उगोनिया में जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, स्पर्मेटिया और उगोनिया आपस में मिल जाएंगे, तो एक फ्राग से स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम एपोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मफुल है और यूजफुल लाइकेंस है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।